हेलो गाइस, आई अजय, वेलकम ऑन आवर चैनल मार्केट सीखो। तो आज जरोदा जो कि इंडिया का नंबर वन ब्रोकर है नंबर ऑफ क्लाइंट्स, जो जिसके पास बहुत सारे टेक्निकल फीचर्स जो प्रोवाइड करता है, उसने आज 3 एडिशनल नए फीचर्स ऐड किए हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है एंड जो ट्रेडिंग है उसको इजी बनाते हैं। जिसमें नंबर वन फीचर्स है ट्रेड फ्रॉम चार्ट, फीचर हैंडल पैटर्न ऑन चार्ट, थर्ड फीचर इज सम न्यू इंडिकेटर्स एंड टूल्स। सो आई प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट एवरी फीचर्स एंड हाउ वी कैन ट्रेड यूजिंग दीज फीचर्स एंड ये जो फीचर्स हैं वो हमारी लाइफ कैसे ट्रेडर्स की इजी बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑल द फीचर्स। तो आप ये जरोदा की स्क्रीन देख रहे हैं, तो इसमें अभी जो टाटा स्टील है उसका स्टॉक एडेड है, तो इसका हम चार्ट ओपन करेंगे। तो ये चार्ट ओपन होके आता है, अभी मैंने कोई भी फीचर्स इसमें एडिट नहीं किया हुआ। तो अभी हम फर्स्ट जो है जो बता रहा था ट्रेड फ्रॉम चार्ट्स, तो ये एक नया बटन ऐड हुआ है यहाँ पे कॉर्नर में, तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली जो प्राइस होगा करंट जिस पे ट्रेड हो रहा होगा उस पे जाके आपको बाई या सेल के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों टाइप के ऑर्डर तुम प्लेस कर सकते हो, CNC जो डिलीवरी के लिए, उसके अलावा जो MIS है वो भी चूज कर सकते हो, उसके अलावा कितना क्वांटिटी खरीदना है बेचना है वो भी चेंज कर सकते हो, और बाई और सेल को टॉगल करके टॉगल स्विच पे क्लिक करोगे तो बाई और सेल जो है हो जाएगा। उसके अलावा जैसे ही आप बाय पे क्लिक करोगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी क्या है, मार्केट क्लोज है, इसके लिए सिर्फ AMO अलाउ होता है। तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद कहाँ पे दिखाता है उसके एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ AMO ऑर्डर प्लेस करूँगा। तो AMO के लिए मैं इसमें मान लो इसमें कुछ प्राइस डाला मैंने 336 बाई प्लेस किया, उसके अलावा दूसरा बाई ऑर्डर मैं प्लेस कर देता हूँ जो मार्केट प्राइस है उस पर। ओके, और कुछ सेल ऑर्डर डाल देता हूँ मान लो 339 डाल दिया सेल ऑर्डर, उसके अलावा एक सेल और ऑर्डर और डाल लेते हैं थोड़ा इजी एक्सप्लेन। ओके, तो ये सब मैंने सेलिंग ऑर्डर डाल दिए, तो अभी ये जो ऑर्डर है आपको चार्ट पे दिखाएंगे। तो ये जो ऑरेंज कलर के हैं ये मेरे सेल ऑर्डर्स जो प्लेस किए हैं वो हैं, और ब्लू कलर वाला जो है ये मैंने जो बाय ऑर्डर प्लेस किए हैं वो हैं। तो अगर मैं इस पर कोई भी आपको अगर मॉडिफाई करना है, ये जैसे अभी चार ऑर्डर जो लाए हैं इनमें को आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, मान लो इस ऑर्डर पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप क्वान्टिटी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अलावा जो मॉडिफाई करना है तो इसको क्वान्टिटी चेंज कर दो और उसके बाद मॉडिफाई कर सकते हो, या अगर प्राइस चेंज करना है तो इसको ड्रैग करिए, तो ड्रैग करोगे तो जो जिस प्राइस पे आप लेके जाओगे उस पे करके मॉडिफाई क्लिक करोगे तो ये मॉडिफाई हो जाए। तो आप देखो कर्सर मूव हो गया ऊपर, तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, तो आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। तो पहले क्या होता था कि हम चार्ट देखते थे उसके बाद डिसाइड करते थे कि चलो हमें खरीदना या बेचना है, उसके बाद हमें जाके इधर साइड में जाके यहाँ पे बाई और सेल का ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था, तो थोड़ा टाइम लगता था। अभी यहाँ पे ही डायरेक्टली हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे कौन से प्राइस पे बाई सेल करना है, एक पर्टिकुलर जो प्राइस है जिस पे हम बाई करना चाहते हैं डायरेक्टली चार्ट से ट्रेड कर पाएंगे, तो जो कि बहुत ही ईजी और फास्ट प्रोसेस हो गया। और ये जो अभी ट्रेड ऑन चार्ट जो फीचर है ये अभी सिर्फ काइट वेब के लिए है, मोबाइल के लिए अभी लॉन्च नहीं हुआ है, आई थिंक फ्यूचर में शायद लॉन्च कर दें वो। उसके अलावा जो सेकंड फीचर जो मैं बोल रहा था ये है, आप जो कैंडल पैटर्न्स है वो चार्ट पे ही दिखाएगा कि कौन सा पैंडल कैंडल जो है फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए आप इसमें जो स्टडीज है उसमें कैंडल सर्च करें तो ये ओपन हो गया कैंडल पैटर्न्स। तो कैंडल पैटर्न्स पे अगर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जितने भी कैंडल फॉर्म हो रहे हैं उनके जो नाम है वो आ जाएंगे। तो आप ये देखोगे तो जैसे एनगल्फिंग फॉर्म हो रहा है, हरामी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये जितने भी पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं जितने भी कैंडल पैटर्न्स फॉर्म होंगे वो सब यहाँ पे दिखाएगा। तो कैंडल्स के साथ जो ट्रेड कैसे करना है वो आप जरोदा वर्सिटी पे भी पढ़ सकते हो, या उसके अलावा गूगल से सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये बहुत ही जनरल इंफॉर्मेशन है कि कौन सा पैटर्न बेरिश है, कौन सा बुलिश है, कौन सा साइडवेज। तो कुछ पैटर्न जो है 14 बेसिक पैटर्न्स मैंने इस वीडियो में भी दिखाए हैं, तो उसमें कौन कौन से बेरिस हैं, कौन कौन से बुलिस हैं जो कि मेनली यूज होते हैं, डोजी, बेरिस, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, मैंने सब इसमें वीडियो में
आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो उन्होंने ऐड किए हैं, पहला जो उन्होंने ऐड किया है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है RSI डाइवर्जेंस, पहले RSI सिर्फ था, अभी RSI का डाइवर्जेंस भी ऐड किया है। MACD MACD का अभी डाइवर्जेंस ऐड कर दिया है, स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस ऐड किया है, फिर स्टोकेस्टिक RSI भी ऐड हुआ है, और एक आया सेंट्रल पिवट रेंज। सेंट्रल पिवट रेंज भी नया फीचर है, काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद एंकर्ड VWAP, पहले ओनली सिंपल VWAP था, अभी एंकर्ड VWAP भी लॉन्च किया उन्होंने। और जो इंडिकेटर्स हैं उसके अलावा उसके ऊपर ही आप नए इंडिकेटर्स भी ऐड कर पाओगे, पहले सिर्फ सिंगल ही थे। और उसके अलावा कुछ ड्राइंग टूल्स भी ऐड किए हैं, तो मैं ड्राइंग टूल्स आपको दिखाता हूँ अभी। तो आप यहाँ चार्ट से पॉपअप चार्ट ओपन करेंगे तो ये आएगा आपका ड्राइंग टूल्स, ये आपका विंडो ओपन हुआ। इसमें एक बटन, तो इधर आप कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में आप देखोगे स्क्रीन पे, तो ब्लू कलर का, इस पर आप क्लिक करोगे तो थोड़ा डिटेल्स दिखाएगा। उसके अलावा जो मेरे ओपन ऑर्डर्स हैं डिटेल, उसके अलावा थोड़े डिटेल्स ज़्यादा ऐड हुए हैं। उसके अलावा जो ड्राइंग्स हैं टूल्स, तो ये ड्रॉ टूल्स जो हैं काफ़ी पहले से ज़्यादा नंबर्स हैं। उसके अलावा एक एडिशनल फीचर जो है ऐड हुआ है, वो आप फिल्टर लगा दिया इन्होंने यहाँ पे, या तो ऑल या आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट या स्टेटिस्टिक्स, टेक्निकल, फिबोनाची सीरीज, मार्किंग या लाइंस, कोई भी पर्टिकुलर टाइप का देखना है तो आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। उसके अलावा सपोज यहाँ पे आपको चैनल ड्रॉ करना है, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ओके, तो ये चैनल ड्रॉ कर दिया। तो पहले क्या है, जब चैनल ड्रॉ करते थे तो आप राइट क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन इन्होंने ऐड किए हैं, एक तो एडिट सेटिंग्स और क्लोन ड्रॉइंग। तो अगर मैं क्लोन ड्रॉइंग पर क्लिक करूँगा तो ये अभी उसको जस्ट कॉपी करके ड्रॉ कर देगा, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। तो इस तरीके से ये इतने सारे फीचर्स ऐड किए हैं, ट्रेडर्स की जो लाइफ है उसको ईजी बनाता है। और आई होप ये फीचर आपको अच्छे लगे और मंडे से आप शायद यूज भी करें जो ट्रेड करते हैं। तो आई होप कि ये सम फीचर समडे मोबाइल पे भी अवेलेबल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।